हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट का नवा भाग, जो कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीसियन सीबीटी टू एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टेक्निकल क्वेश्चंस होने के कारण रेलवे जेई के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ट्रेड देख लीजिए, नीचे कौन कौन से ट्रेड दिए हुए हैं, इन सभी ट्रेडों से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, आज का क्वेश्चन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एसी से लिया हुआ है, जो कि एयर कंडीशनिंग से आपका ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। यहाँ खिड़की प्रशीतक स्थापित, ये रेफ्रिजरेशन से संबंधित है। खिड़की प्रशीतक स्थापित करते समय यह किधर नीचे की तरफ झुका हुआ होता है? तो इसको बताना है कि यह जब खिड़की पर स्थापित किया जाता है तो वो किधर की ओर नीचे की ओर झुका हुआ होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सामने की ओर, ऑप्शन बी है पीछे की ओर, ऑप्शन सी है दाहिने और ऑप्शन डी है बाएं की ओर। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह पीछे की ओर झुका हुआ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नम हवा के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नम हवा के व्यवहार को क्या कहा जाता है, ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है वायुदाबी, ऑप्शन बी है साइक्रोमेट्रिक्स, ऑप्शन सी है प्रतिशतक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, नम हवा के व्यवहार के अध्ययन को साइक्रोमेट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, साइकोमेट्रिक चार्ट पर क्षैतिज पैमाना दर्शाता है। तो कौन सा पैमाना क्षैतिज रूप में दर्शाता है? आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसका ऑप्शन ए है नम बल्ब तापांक, ऑप्शन नंबर बी है शुष्क बल्ब तापांक और ऑप्शन नंबर सी है विशिष्ट आर्द्रता, ऑप्शन नंबर डी है सापेक्ष आर्द्रता। तो साइकोमेट्रिक चार्ट पर क्षैतिज पैमाना आपका ये ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट आर्द्रता जो है वो दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो है स्थिर शुष्क बल्ब तापांक पर हवा से आर्द्रता निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका स्थिर शुष्क बल्ब तापांक पर हवा से आर्द्रता निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इसका सेंसिबल हीटिंग, ऑप्शन बी है सेंसिबल कूलिंग, ऑप्शन नंबर सी है ह्यूमिडिफिकेशन और ऑप्शन नंबर डी है डी ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभियांत्रिकी आलेख में मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी वस्तु के मध्य रेखा को दर्शाया जाता है। तो किस तरह से किसी वस्तु के बीच की रेखा को प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मोटरी श्रृंखला रेखा, ऑप्शन बी है पतली श्रृंखला रेखा, ऑप्शन नंबर सी है पतली श्रृंखला रेखा और ऑप्शन नंबर पतली रेखा या ऑप्शन नंबर डी है मोटी डैश रेखा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोटी श्रृंखला रेखा के माध्यम से किसी वस्तु के मध्य रेखा को दर्शाया जाता है, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रशीतक के पीएच रेखा चित्र के ऊपर क्षैतिज रेखा कौन दर्शाता है? इंथैल्पी दर्शाता है या फिर तापांक या प्रेशर या इंट्रोपी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इंथैल्पी सही आंसर होगा। ठीक है, प्रशीतक के पीएच रेखा चित्र के ऊपर क्षैतिज रेखा इंथैल्पी दर्शाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू प्रशीतक में एक्यूमुलेटर कहाँ पर लगा होता है? यहाँ बताना है आपको, घरेलू प्रशीतक है उसमें एक्यूमुलेटर कहाँ पर लगाया जाता है? ऑप्शन ए है इसका कंप्रेसर के आउटपुट पर, ऑप्शन बी है इवेपोरेटर के इनलेट पर, ऑप्शन नंबर सी है इवेपोरेटर के आउटलेट पर, ऑप्शन नंबर डी है कंडेंसर पर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इवेपोरेटर के आउटलेट पर लगाया जाता है एक्यूमुलेटर को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रथम कोण प्रक्षेपण में किसी वस्तु का बायां दृश्य कहाँ दिखाई दर्शाया जाता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम कोण प्रक्षेपण मतलब कि ये एचपी के सामने और एचपी के ऊपर और वीपी के पीछे। ठीक है, तो ये प्रथम कोण प्रक्षेपण होता है, मतलब कि ये एरिया जो है ये प्रथम कोण प्रक्षेपण हो गया। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है किसी वस्तु का बायां दृश्य कहाँ दर्शाया जाता है? तो
इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है समक्ष दृश्य के दाएं में, ऑप्शन बी है समक्ष दृश्य के दाएं में, ऑप्शन नंबर सी है समक्ष दृश्य के ऊपर, और ऑप्शन नंबर डी है समक्ष दृश्य के नीचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समक्ष दृश्य के दाएं में। ठीक है, यहाँ ये बाएं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समक्ष दृश्य के दाएं में, मतलब कि ये दाएं वाला एरिया जो है उस साइड हम किसी वस्तु के बाएं दृश्य को दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बोरेक्स फ्लक्स का प्रयोग किस में होता है। तो बोरेक्स फ्लक्स का प्रयोग किस में किया जाता है, सोल्डरिंग में किया जाता है, या फिर बेंडिंग में, या ब्रेंजिंग में, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रेजिंग में इस बोरेक्स फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डक्ट में प्रवाहित हवा का दबाव क्या होगा, कि हवा का दबाव पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बढ़ेगा, या ऑप्शन नंबर बी है घटेगा, या ऑप्शन नंबर सी है स्थिर रहेगा, या ऑप्शन नंबर डी है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, डक्ट में प्रवाहित हवा का दबाव पहले बढ़ेगा और फिर उसके बाद घटेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वेजिंग ऑपरेशन में ट्यूब का क्या असर होता है। ठीक है, स्वेजिंग ऑपरेशन में ट्यूब का क्या असर होता है। ऑप्शन ए है अंतर्व्यास घटता है, ऑप्शन बी है अंतर्व्यास बढ़ता है, ऑप्शन सी है व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी बाहरी व्यास घटता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंतर्व्यास बढ़ता है, स्वेजिंग ऑपरेशन में ट्यूब का अंतर्व्यास बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। समय नहीं है आपके पास, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किया है अब तक 8 अपलोड कर दिया है मैंने वीडियो, जो कि टेक्निकल क्वेश्चंस है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन रेफ्रिजरेटर ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन सभी ट्रेडों से। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखिए, वीडियो देखिए, कई तीन बार चार बार देख लेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा इसी तरह से। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वाष्प विलयन प्रशीतन चक्र में कमजोर मिश्रण से क्या बनता है। ठीक है, तो वाष्प विलयन प्रशीतन चक्र में कमजोर मिश्रण क्या बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है पहला वाष्पित में बनता है, ऑप्शन बी है अवशोषक में बनता है, ऑप्शन नंबर सी जनित्र में बनता है, या ऑप्शन नंबर डी विश्लेषक में बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनित्र में बनता है। वाष्प विलयन प्रशीतन चक्र में कमजोर मिश्रण, जो कमजोर मिश्रण होता है वो किस में बनता है, तो वो जनित्र में बनता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सा गौण प्रसितक है। तो निम्न में से कौन सा गौण प्रसितक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है R12, ऑप्शन नंबर बी है अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी है ब्राइन, और ऑप्शन नंबर डी है R134A। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राइन। तो ये गौण प्रसितक इसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अप्रसितन आवश्यक होता है अन्यथा इसके कारण क्या हो सकती है, किसकी खपत होती है या कम होता है जीवन काल। तो इसमें यह बताना है कि अप्रसितन आवश्यकता होता है अन्यथा इसके कारण कौन सी हानि होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है, या फिर कंप्रेसर का जीवन काल कम होता है, या कंप्रेसर के पुर्जे घिस जाएंगे, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रसितन आवश्यक होता है अन्यथा इसके कारण ऊर्जा की खपत ज़्यादा होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोलेनॉइड वाल्व कहाँ लगा होता है। तो सोलेनॉइड वाल्व कहाँ पर लगा होता है वो स्थान आपको बताना है कि सोलेनॉइड वाल्व कहाँ लगा होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है तरल रेखा में कंडेंसर के बाद, ऑप्शन बी है तरल रेखा में रिसीवर के बाद, ऑप्शन नंबर सी है वाष्प रेखा में वाष्पित्र के बाद, ऑप्शन नंबर डी है वाष्प रेखा में कंप्रेसर के बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरल रेखा में रिसीवर के बाद प्रयोग किया जाता है सोलेनॉइड वाल्व का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक टन रेफ्रिजरेटर किसके बराबर होता है। तो एक टन रेफ्रिजरेटर किसके बराबर होता है, तो इसका क्वेश्चन जो देखते हैं इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 200 किलो जूल पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 210 किलो जूल पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 215 किलो जूल पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 250 किलो जूल पर मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 210 किलो जूल पर मिनट एक टन रेफ्रिजरेशन के बराबर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रशीतक का सब कूलिंग क्या कार्य करता है। तो प्रशीतक का सब कूलिंग क्या कार्य करता है, तो यहाँ पर बताना है
प्रसितन प्रभाव बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी प्रसितन प्रभाव घटाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रसितन प्रभाव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ऑप्शन नंबर डी प्रसितन की ऊर्जा खपत को बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसितक का सब कूलिंग प्रसितन प्रभाव को बढ़ाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कम दबाव चीलर में कौन सा कंप्रेसर प्रयुक्त होता है। तो कम दबाव चीलर में कौन सा कंप्रेसर प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, ऑप्शन बी है स्क्रू, ऑप्शन सी है रोटरी, और ऑप्शन डी है रेसिप्रोकेटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकेटिंग, कम दबाव चीलर में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं अब तक, वो सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साधारण अगला क्वेश्चन है, देखिए साधारण संतृप्त वाष्प कंप्रेशन प्रसितन चक्र में, साधारण संतृप्त वाष्प कंप्रेशन प्रसितन चक्र में कंप्रेशन के आगम पर प्रसितक की स्थिति क्या होती है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा ये सब हो जा रहा है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आपका रेफ्रिजरेशन वालों के लिए और एयर कंडीशनिंग वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैंने उसी से ज़्यादा क्वेश्चन लिया है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूखा और संतृप्त। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसितन प्रणाली में प्रयोग किए जाने वाले किस प्रसितक के रिसाव को सल्फर बत्ती के द्वारा पता किया जाता है। ये देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। प्रसितन प्रणाली में प्रयोग किए जाने वाले किस प्रसितक के रिसाव को सल्फर बत्ती के द्वारा पता किया जाता है। तो सल्फर बत्ती के द्वारा कौन सा रिसाव होता है जो कि पता किया जाता है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है फ्रियॉन, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रियॉन का पता लगाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डी ब्लॉक ब्लॉक का प्रयोग किस आकार के वस्तु के ऊपर निशान लगाने के लिए किया जाता है। ये देखिए आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया गया है, मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, इंजीनियरिंग ड्राइंग से है। डी ब्लॉक का प्रयोग किस आकार के वस्तु के ऊपर निशान लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है आयताकार, ऑप्शन बी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी है बेलनाकार, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी ब्लॉक का प्रयोग बेलनाकार वस्तु के ऊपर निशान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेटिक फैलाव वाल्व का बल्ब घूर्णन करता है, तो किस पर यह घूर्णन करता है। थर्मोस्टेटिक फैलाव वाल्व का बल्ब जो है वो किस पर घूर्णन करता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, कंप्रेसर के इनलेट पर घूर्णन करता है, या ऑप्शन नंबर बी कंप्रेसर के आउटलेट पर, या ऑप्शन नंबर सी वाष्पित्र के इनलेट पर, ऑप्शन नंबर डी वाष्पित्र के आउटलेट पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, थर्मोस्टेटिक फैलाव वाल्व का बल्ब वाष्पित्र के आउटलेट पर घूर्णन करता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, बढ़े हुए ऊष्मा भार की स्थिति में टी एक्स भी कैसे जवाब देता है। टी एक्स भी कैसे जवाब देता है, यहाँ ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके चार पास, यहाँ पर देखिए प्रसितक के प्रभाव को घटाकर टी एक्स भी को जवाब देता है, या फिर प्रसितक के प्रभाव को बढ़ाकर, या ऑप्शन नंबर सी प्रसितक के प्रभाव को स्थिर रखकर, या ऑप्शन नंबर डी परिवर्तनशील ऊष्मा भार पर बिना प्रतिक्रिया किए हुए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रसितक के प्रभाव को बढ़ाकर बढ़े हुए ऊष्मा की भार की स्थिति में टी एक्स बी को जवाब देते हैं। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग पहली बार सब आए हैं मेरे चैनल पर, वो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए है, वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नीले रंग का कलर कोड क्या होता है, तो इसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आप आराम से निकाल सकते हैं। जो इसका ट्रिक है, बीवी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो ये एक ट्रिक है, इसका फार्मूला है इसे निकालने के लिए। इस माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इसकी कलर कोडिंग निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर डी सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6, नीले रंग का कलर कोड 6 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का कलर कोड क्या होता है? तो लाल रंग का कलर कोड आपको सेम फार्मूला से याद करना होगा, सेम ट्रिक से, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है? तो बीबी रॉय, तो बी हो जाएगा पहला नंबर, बीबी हो जाएगा और फिर रॉय, तो आर आपका तीसरा नंबर पे आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए बीबी रॉय, तो पहला का ये 0 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 3 के बजाय 2 रहेगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर 2 होगा, इसमें ऑप्शन में कहीं 2 नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका 2 आंसर सही होगा, ठीक है? तो इस तरह से आज के टॉप 25 क्वेश्चंस पूरे हुए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।